हेलो एवरीवन, क्या आपके मसूड़ों से खून आता है? मसूड़ों में सूजन आ गई है, मसूड़ों में दर्द होता है और पस भी पड़ गया है, और आप जब भी थोड़ा दांत को हिला करके देखते हैं तो वो हिल रहा है। दांतों में दर्द होता है, दांतों के ऊपर प्लाक और कैलकुलस इतना जम गया है कि दांत पीले दिखाई देते हैं, मुंह से बदबू आती है जब भी आप किसी से बात करते हो। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिर्फ एक होम रेमेडी जिसको यूज करके आपकी ये सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएंगी। ये जो होम रेमेडी है ये 100% काम करती है और ये सदियों से चला आ रहा है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जानकारी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसे कैसे यूज करना है, कैसे बनाना है, कितने टाइम के लिए यूज करना है, कब तक रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो सारी ही चीजें हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रजनी। अगर आपके दांतों में से खून निकलता है, मसूड़ों में सूजन आ गई है, मसूड़ों में पस पड़ गया है, दांत हिलाने से थोड़े थोड़े हिल रहे हैं, आपके दांतों के ऊपर प्लाक और कैलकुलस इतना ज्यादा जम गया है कि दांत पीले दिखाई देते हैं, कैविटी लग गई है, मसूड़ों और दांतों में दर्द होता है, साथ ही साथ जब भी आप किसी से बात करते हो तो मुंह से बदबू बहुत आती है, तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आज की जो होम रेमेडी है बहुत ही कारगर साबित होगी। तो इस होम रेमेडी के लिए हमें ज्यादा नहीं कुछ एक इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले चाहिए हमें दो पत्तियां जिसके अंदर है नीम की पत्ती। सबसे पहले नीम की पत्तियों के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है जो हमारे मसूड़ों के लिए और दांतों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग दातुन करते थे नीम की, और साथ ही साथ जब वो नहाते थे तो पानी के अंदर नीम की पत्तियों को डाल करके उसे उबाल करके उनसे नहाते थे ताकि उनके शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं हो, ना कोई फंगल इन्फेक्शन हो, ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। तो इसका मतलब नीम जो है वो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी रखता है, तो आपको फ्रेश नीम की पत्तियां ले लेनी है। सेकेंड जो है वो है अमरूद की पत्तियां। आपके आसपास अमरूद का पेड़ होगा ही, वहां से जाकर के कुछ एक आप अमरूद की फ्रेश पत्तियां ले आइए, क्योंकि अमरूद की पत्तियों के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, तो बहुत ही अच्छा है आपके दांतों और मसूड़ों के लिए, तो उसकी कुछ पत्तियां आप ले आइए। हल्दी, हल्दी तो आपके घर में होगी ही, नारियल का तेल भी होगा, अगर नारियल का तेल नहीं है तो आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं, और नमक तो होगा ही आपके घर में, तो बस इतने ही इंग्रेडिएंट से बन करके रेडी हो जाएगा हमारा ये पेस्ट, जिसको यूज करके आपके मसूड़ों और दांतों की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस पेस्ट को बनाना कैसे है। तो ये जो पेस्ट है जब भी आप यूज करें इसे फ्रेश बना करके यूज करना है। इसके लिए आपको कम से कम 10 नीम की पत्तियां लेनी हैं और 10 अमरूद की पत्तियां ले लीजिए, इन्हें पीस करके अच्छे से पेस्ट बना लीजिए, फिर उसके अंदर आपको डालनी है एक चुटकी हल्दी और आधा चम्मच आपको उसके अंदर नॉर्मल नमक डालना है, जो भी आप नमक खाते हैं, चाहो तो आप सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। फिर उसके अंदर आपको डालना है 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। अब इन सभी को मिक्स करके बना दीजिए एक अच्छा सा पेस्ट। अब ये जो पेस्ट बन करके रेडी हुआ है बहुत ही चमत्कारिक है, अब इसे कैसे यूज करना है। अब ये जो पेस्ट बन के रेडी हुआ है उसे हमारे मसूड़ों पर अंदर बाहर सभी जगह लगा के छोड़ देना है, कुछ इस तरीके से, जैसे कि हमारे ऊपर का जबड़ा है, यहाँ ऊपर की तरफ मसूड़ों में और अंदर की तरफ मसूड़ों पे सभी जगह आपको लगा देना है, नीचे की तरफ भी लगा देना है, अंदर बाहर लगा करके, और फिर उसे आप छोड़ दीजिए। अगर आप 1 मिनट रख सकते हैं तो 1 मिनट, 2 मिनट रख सकते हैं तो 2 मिनट रखिए, 2-3 मिनट इसे रखिए, जितनी देर आप सहन कर सकते हैं रखिए, और उसके बाद हल्के हाथों से मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद हल्के गुनगुने पानी से आप कुल्ले कर लीजिए और फिर देखिए आपको पहले यूज से ही फर्क नजर आएगा, और जैसे जैसे आप 2-4 दिन यूज करेंगे आपके मसूड़ों की और दांतों की प्रॉब्लम है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी, आपको बहुत ही चमत्कारिक इफेक्ट दिखाई देंगे। ये जो पेस्ट है अगर आप रात को सोने से पहले लगाएंगे तो ज्यादा बेटर है। और उसे कैसे यूज करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पेस्ट आप यूज कर रहे हो तो जो आप नॉर्मल ब्रश करते हो किसी भी टूथपेस्ट के साथ वो नहीं करना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। सुबह शाम जिस भी टूथपेस्ट के साथ आप ब्रश करते हो वो करना है आपको,
ब्रश करने के बाद, जैसे आप रात को यूज कर रहे हो तो ब्रश कर लीजिए रात को सोने से पहले, और उसके बाद आपको इस पेस्ट को लगाना है, और फिर जैसे मैंने बताया है वैसे आप फॉलो कीजिए। इससे आपकी जो मसूड़ों में सूजन है वो दूर हो जाएगी, मसूड़ों से खून आना बंद हो जाएगा, पस पड़ गया है तो वो भी दूर हो जाएगा, साथ ही साथ आपके मुंह से अगर बदबू आती है तो वो भी ठीक हो जाएगी, दांतों के ऊपर जो भी प्लाक और कैलकुलस जम गया है उससे छुटकारा मिल जाएगा आपको, कैविटी होना शुरू हो गया है, अगर हल्की हल्की कैविटी की शुरुआत हुई आपके दांतों पर तो वो कैविटी फिर से रीमिनलाइज्ड होना शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि आपके दांत और मसूड़ों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो चुटकियों में दूर हो जाएंगी। तो ये जो होम रेमेडी है इसे आप डेली भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो आप ये हफ्ते में 3 बार भी यूज कर सकते हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आएंगे। तो ये जो थी सिंपल सी होम रेमेडी, लेकिन इसके जो असर हैं वो बहुत ही चमत्कारिक है। तो इसे आप यूज कीजिए और यूज करके मुझे बताइए कमेंट करके इससे आपको कितना फायदा मिला। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।